जय श्री राम भक्त जनों, प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में यह एक सर्वश्रेष्ठ काम अगर आपने कर लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका हर काम स्वयं भगवान खुद करेंगे। प्यारे भक्तों, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त में करें और हमें फिर जीवन में कुछ न करना पड़े, सारे कार्य हमारे भगवान करें। प्यारे भक्तों, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ऐसा तो सदियों से चला आया है। भक्त के सारे कार्य भगवान ही करते हैं, बाकी आम लोगों को ऐसा लग रहा है, लगता है कि ये स्वयं इंसान करता है, लेकिन उसके पीछे जो है वो देख नहीं पाते कि भगवान का इतना बड़ा भक्त है, इसका काम भगवान करते हैं, इसे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, ना इसको शुभ अशुभ कोई चीज़ व्याप्ति नहीं, सर्दी गर्मी लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश इसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो ऐसा मनुष्य क्यों कार्य करेगा। लेकिन मानव शरीर है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो निस्वार्थ सेवा के लिए भगवान की दया को कृपा को समझने के बाद वो कुछ नहीं करता है, उसे करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो भगवान उसके रूप में सारे कार्य करते रहते हैं। कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, तो सारे कार्य भक्त के स्वयं भगवान करते हैं। बस ब्रह्म मुहूर्त में आपने केवल और केवल निरंतरता और विश्वास के साथ प्राण जप करना है। अब हम आपको ये भी बता दें कि प्राण जप कैसे होता है, वो श्वासों के द्वारा होता है। श्वास आपके पास है, आपके अंदर है, कहीं जाना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, और शुद्ध और अशुद्ध अवस्था में कैसे ही आप कर सकते हैं। सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ जाएं, या खड़े हो जाएं, या चलते फिरते श्वासों के द्वारा श्वास आ रही है श्वास जा रही है, बस उसको आप देखते रहे, तो आप ये समझें कि भगवान का आप स्मरण कर रहे हैं, भगवान का आप ध्यान कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है दुनिया में, इससे सर्वश्रेष्ठ और कार्य है नहीं। तो प्यारे भक्तों, यह एक काम आप निरंतरता और विश्वास के साथ, देखो ये तो आपको करना पड़ेगा, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, उसके हिस्से का पी नहीं सकती है। इसी तरह से हमारे जैसे कितने ही लोग बता चुके हैं, बता रहे हैं और बताते रहेंगे, आप केवल ये कार्य निरंतरता और विश्वास के साथ करें, अवश्य ही आपके साथ ऐसा घटित होगा कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब अपने आप होगा और आपको अपने आप अनुभव होगा ये अपने आप कैसे हो रहा है। तो आपको ये भी अनुभव जरूर होगा कि ये सब जो ना मेरे परम का जो आशीर्वाद है, परम की कृपा है। तो प्यारे भक्तों, आप केवल यह कार्य करें और अपने जीवन में आनंदित रहें और परमात्मा के साथ उसके आनंद में डूबे रहें, और आपके सारे कार्य अपने आप होंगे, करने की आवश्यकता नहीं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।